तो हेलो फ्रेंड्स, आप सोचते होंगे कि आज मैं ये आई लव भागलपुर के पीछे मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब मैं भागलपुर इस बार मैं क्यों आया हूँ। तो वैसे तो मैं हर बार भागलपुर ट्रैवल करने के लिए आता था, मगर इस बार मैं भागलपुर ट्रैवल करने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ फैशन बुटीक के लिए आया हूँ। वो ये फैशन बुटीक क्या है तो मैं बताऊँगा नहीं, मैं जाकर दिखाऊँगा। अभी मुझे अली भाई से मिलना है और मैं अली भाई के बारे में ज़्यादा नहीं बताऊँगा, उनको भी मैं जाके आप लोग को इंट्रोड्यूस कराऊँगा। तो बहुत बहुत थैंक्सफुल है कि अली भाई का, क्योंकि अली भाई ने मुझे रिसीव करने के लिए बाइक भेज दिया है। तो इसी बाइक से अब हम जाएंगे अली भाई के शॉप पर, मतलब फैशन बुटीक जाएंगे। तो ये गमछा वैसे तो मैं कैरी नहीं करता हूँ, मगर इस बार मुझे कैरी करना पड़ा है क्योंकि भागलपुर में भी पटना से ज़्यादा ही गर्मी पड़ रही है, तो गमछा तो रखना पड़ेगा ना, जान बचाना है। तो चलो हम लोग चलते हैं। फैशन बुटीक की राह पर हम लोग निकल चुके हैं। भागलपुर के जंक्शन से निकलने के बाद हमें राइट आना है। जैसे राइट आप टर्न करके स्टेशन के पास आएंगे तो यहाँ से तीन रोड जाता है। एक पहला रोड जाता है ये जो चौराहा है गोलंबर के बाद सीधा आप जाते हैं तो स्टेशन की ओर निकल जाते हैं, मतलब यहाँ आगे भी एक ब्रिज आएगा। फिर इसके जस्ट बगल में ही आपको वैरायटी चौक आता है, ये वैरायटी गली है। और फिर ये है जो पहला है, ये है आपका साइकिल पट्टी। तो हमें साइकिल पट्टी नहीं जाना है, हमें जाना है वैरायटी चौक में। बाटा गली भी कहते हैं और ये बाटा का शॉप है। यहाँ पर अगर आपको लैंडमार्क लगा सकते हैं एज अ रिमाइंड करने के लिए नियरेस्ट में, तो बाटा शॉप है यहाँ पर से आपको मिल जाएगा बीच में। तो बाटा ही शॉप वाले से आपको सीधा आना है, जिस टाइप से रोड जा रहा है वैसे ही आपको बस चलते ही जाना है। जस्ट मंदिर के सामने ही देखिए एक गली जा रही है और गली के ही बगल में आपको देखिए लस्सी का शॉप है। इससे आप लोकेशन को, नियरेस्ट लोकेशन को आप रिमाइंड याद रख सकते हैं। तो इसी वाले रास्ते से हम अंदर घुसते हैं। अब यहाँ पहुँचते ही हम कल्याणी के जस्ट बगल में राइट मोड़ना है, जिसको मड़वाई टोला कहते हैं। तो मैं जब से मैं भागलपुर पहुँचा तब से मैं फैशन बुटीक और अली भाई के बारे में जिक्र कर रहा था। तो फाइनली मैं फैशन बुटीक पहुँच चुका हूँ। हेड ऑफिस ये है फैशन बुटीक, तो हम सीधा अंदर चलते हैं फैशन बुटीक की। मैं जिक्र कर रहा था अली भाई, ये अली भाई हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। हेलो अरमान भाई। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, मैं अली भाई को पहले से ही जानता हूं। वो कैसे मैं जानता हूं, तो अली भाई के ही शॉप से मेरे जितने भी रिलेटिव हैं उन कस्टमर हैं, मतलब कहते हैं ना एज अ रेगुलर कस्टमर, तो इसलिए मैं इन्हें जानता हूं पहले से ही। मैं बताना चाहूंगा जो ये मेरा बुटीक है, ये समथिंग हम लोग की ये तीन पीढ़ी से ये शॉप चली भी आ रही है, ऐसा आप देख सकते हैं। 1970 सिंस, यानी तीसरी पीढ़ी हम लोग की चल रही, मेरे दादा एंड मेरे पापा, इसके बाद हम। तो बहुत छोटे से हम लोग स्टार्ट किए हैं, अभी जाके हम लोग अपनी चार ब्रांच को चला रहे हैं। ऐसे देख सकते हैं आप, मैंने एक मेंस वेयर का भी मैंने अपना शॉप खोला है। मैंने एक किंग्समैन मेंस वेयर और ये सलवार सूट की शॉप है, ये मेरी सारी मेरी ही शॉप है। और जो मेन जो मेरा शॉप का जो मेरा मैन्युफैक्चर एंड कस्टमाइज वाला जो काम होता है वो फैशन बुटीक, जो मैं आपको अभी विजिट करवाऊंगा उस शॉप पे की भी। तो मैं एज ए तीनों शॉप आपको विजिट करवाऊंगा। यहाँ भी हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक्चुअली मेरी सबसे पुरानी दुकान और बोल सकते हैं एज ए ब्रांच, ओनली फर्स्ट ब्रांच ये है जो मैं लीड करता हूँ मैं पर्सनली एज ए ऑनर। तो ये मेरी पहली शॉप है, फिर उसके बाद आसपास में ये सारी तीन ब्रांच है जो आपको मैंने अपने दिखाया। और बहुत सारा इम्पोर्टेंट इंडियन सारा फैब्रिक वहाँ पे होता है, जिससे हम लोग वो उस फैब्रिक से जो भी आप चाहें लेडीज़ वेयर में या कुर्ता या शेरवानी कुछ भी आप उसको बनवा सकते हैं। उसमें आप कस्टमाइज खुद का डिज़ाइन दे करके, या आप लोग हमको बोलेंगे तो हम लोग भी डिज़ाइन दे करके उसको आपको आपका सारा डिज़ाइन, वो फैब्रिक, आपका जो कॉस्ट्यूम है वो तैयार हम करवा सकते हैं। तो फिर भाईजान हम लोग चलते हैं दूसरे ब्रांच पर। जी जी, आपको मैं लेके चलता हूँ। मैं अपनी वो सेकंड वाली जो शॉप जो सलवार सूट की मैंने दिखाया, अपने सलवार सूट की शॉप जो है वहाँ पे आपको सारा सलवार सूट की सारा फैब्रिक सूट पीस होते हैं और कुछ कुर्तियाँ और लेगिंग्स वगैरह भी वहाँ पे हम लोग रखते हैं, जो कि आप लोग आकर के यहाँ पे देख सकते हैं। बहुत न्यू कलेक्शन आते रहते हैं सूट पीस में भी और कुर्तियों में भी। मैं आपको अभी डिटेल में थोड़ा सा दिखाऊंगा, चलते हैं अपने लोग शॉप। यहाँ पर फर्स्ट ब्रांच है एंड सेकंड ब्रांच देखिए एकदम नियरेस्ट में ही है, तो ज़्यादा दूर भी नहीं जाना है, मुश्किल से होंगे कुछ मीटर का फासला है। तो ये जो शॉप है, तो इसमें इस शॉप में क्या होता है भाईजान? जितने भी सलवार सूट की डिज़ाइन है, या जैसे आप इस टाइप का डिज़ाइन देख सकते हो कि ये पाकिस्तानी सूट हम लोग इसको सेल करते हैं। ये हाफ स्टिच सूट होता है और ऑर्गेंजा में आता है और सिफॉन वगैरह और कॉटन वगैरह में भी आता है।
इस टाइप की सारी सूटें हम लोग सेल के लिए रखे हुए हैं, जो मार्केट से आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा। मार्केट से मिनिमम प्राइस में भी मिल जाएगा? जी जी, मार्केट से आपको बिल्कुल कम प्राइस में मिलेगा, बिल्कुल आप बेनिफिट आपकी होगी, मार्केट से कम प्राइस में ही मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है क्वालिटी भैया, क्योंकि जो व्यूअर्स होते हैं वो अब थोड़ी जान चुके हैं कि फैब्रिक क्या चीज़ होती है, उसे वो पकड़ के ही पहचान जाते हैं। कस्टमर लोग खुद से ज़्यादा अपने उतना जानने लग गए हैं कि कौन सी क्वालिटी कपड़े की होती है और वर्क की होती है। हम लोग जो प्रोवाइड करते हैं, ये आप कपड़े की क्वालिटी आप देख सकते हैं, और ये चंदेरी सूट मैं आपको एक पीस दिखा रहा हूँ। ऐसे तो अपने पास बहुत सारे सूट हैं, लेकिन जो आपको एक पीस मैं दिखा रहा हूँ, आप ऐसे देख सकते हैं, आप जूम करके देखिए, आइए दिखाइए तो ऐसे क्या वर्क क्या होता है। ये हैंड वर्क पे काम किया हुआ है, चंदेरी सूट विथ लाइनिंग। आज आप देख रहे जो है, ये पूरे हैंड वर्क पे काम किया हुआ है, हैंड वर्क विथ मशीन वर्क, ये टू कॉम्बिनेशन में है। तो इसकी क्वालिटी भी बहुत प्यारी है और वर्क भी बहुत अच्छा किया हुआ है। और अब आपको दिखाते हैं दुपट्टा इसका, एज ए सूट मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इसका दुपट्टा, ये देख सकते हैं कितनी प्यारी दुपट्टे हैं। वो वाइट वाला बहुत प्यारे लग रहा है। अच्छा, ये मैं दिखा सकता हूँ, बहुत ज़्यादा चला है। हाँ जी, हाँ 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 जी, ये पाकिस्तानी सूट है, एसिफॉन कपड़े में है, तो ये बहुत प्यारी चीज़ है। अभी हम लोग ईद में इसका बहुत सारा सेल किए हैं इसको, और भी अभी नया माल आया है, जो न्यू माल है तो उसमें से मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक चीज़। आप ये देख सकते हैं, ये भी बहुत प्यारी चीज़ है, आप देख सकते हैं, ये प्योर शिफॉन पे काम किया हुआ है, हैंड वर्क विथ मशीन वर्क। और आप इस टाइप से देखिए, पूरी 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 फैब्रिक। इसी तरीके का हम लोग के पास और भी बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, और इसके दुपट्टा देख सकते हैं कितने प्यारे दुपट्टे हैं। और साइज़ यही दुपट्टा हो, हम लोग में क्या होता है कि आप लोग सूट तो खरीद लेते हैं, लेकिन ये साइज़ का पता नहीं चलता कि दुपट्टा कितना बड़ा दिया है, शॉर्ट में है या लॉन्ग में है, साइज़ कितना है, ये सब चीज़ का बहुत मेंटेन करना पड़ता है। कि आप देख सकते हो कि दुपट्टा कितनी बड़ी दी हुई है, जो साइज़ परफेक्ट होना चाहिए दुपट्टे का, शॉर्ट दुपट्टा नहीं है, लॉन्ग दुपट्टे हैं। और इसके काम भी बहुत प्यारे किए हुए हैं, आप देख सकते हैं इसका काम कितना प्यारा है, ये आप देखिए कितने प्यारे का वर्क की हुई है। इसी तरीके का अपने पास बहुत सारे सूट सब आते हैं, इसमें एज अ कॉटन सूट सब आते हैं एंड कॉटन पे वर्क आते हैं, कुर्ती वगैरह भी, अब मैंने फैंसी कुर्ती सब भी रख रखा है, और जिसमें से दुपट्टा सेट होता है या पैंट सेट होता है, ये सारे चीज़ आपको मिल जाते हैं यहाँ पे। ये सेट है? हाँ, ये रेडीमेड सेट, वो मैं रेडीमेड कुर्ती और पैंट या रेडीमेड कुर्ती दुपट्टा ये सब आता है, इस टाइप का सेट आता है, आप इसको देख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, मैं दिखाता हूँ निकाल करके। मैं आपको इसलिए मैं निकालने को बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो मेरे व्यूअर्स है, जो लोग देखे, तो वो एक किसी भी फॉल्स या किसी भी हिडन में नहीं रहे, पूरा कट टू कट रहे, ताकि वीडियो के थ्रू कोई भी कस्टमर आते हैं उनको एक बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी मिले। हो गया दुपट्टा, ये हो गया कुर्ती, दुपट्टा हो जाता है, ये पूरा सेट हो गया? नहीं, सेट नहीं है इसमें। अच्छा, सेट नहीं है। आता है और एक कुर्ती पैंट भी आता है, एक यानी ये कुर्ती दुपट्टा आता है और कुर्ती पैंट भी आता है। और मैं आपको कुर्ती पैंट वाला डिज़ाइन दिखाता हूँ, जैसे इसी टाइप में, ये रेडीमेड बेस पे है, ये पूरा सेट है वो। हाँ जी, ये पूरा सेट आता है, दुपट्टा है, जैसे एज ए कुर्ती है, ये आपका मसलिन सिल्क पे है, और ये दुपट्टा आता है सिफॉन में, और इसका ये पैंट सेट है, ये थ्री पीस में, ये कंप्लीट रेडीमेड सूट आपका कंप्लीट बना हुआ है, इसमें कुछ भी करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप एज ए फिटिंग करवा सकते हैं, जो मैं करवा के दे दूँगा आपको। कहना चाह रहा हूँ ये कि अभी जो जनरेशन चल रहा, ऑनलाइन का जनरेशन चल रहा है, खासकर अभी मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सब पूरे मार्केट को बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लिए हैं। बुरा आप नहीं माने तो मैं क्लियर, मैं एज अ कस्टमर के तौर से मैं आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि कस्टमर क्यों आएंगे आपके शॉप पर, कि आप ऑनलाइन से मतलब कि क्या एक बेनिफिट, क्या आप कस्टमर को एक अच्छा मिल सकता है जो आपके शॉप पर आएंगे, ये फैशन बुटीक पर आएंगे? मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, ऑनलाइन का जो आता है फैब्रिक और जो रियलिटी हम लोग जो फैब्रिक देते हैं, इसमें बहुत फ़र्क होता है। इवन आपको, आप समझ सकते हैं, इसमें 50-80% का अंतर होता है, जो आपको क्वालिटी मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, जो आप कपड़ा आप देख रहे हो, तो ये क्वालिटी आप कभी भी इसको आप चेक कर सकते हो, कि जो मैं आपको, अगर मेरी शॉप पे आते हो तो इसकी गारंटी कि आपको क्वालिटी अच्छी मिलेगी कपड़े की, और डिज़ाइन की भी, न्यू डिज़ाइन की क्वालिटी अच्छी मिलेगी, और काम उसका अच्छा मिलेगा, ये सब हम लोग अच्छे से देख करके हम लोग प्रोवाइड करते हैं सारा चीज़। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं दूंगा, क्योंकि मैं बता दूं, भैया ने पहले ही बोल दिया था कि ये ब्रांच है, तीन ब्रांच है, तो फर्स्ट तो हम लोग आपको दिखा चुके हैं, सेकंड पे अभी हम लोग जस्ट हैं जहाँ पर अभी हम लोग हैं, और थर्ड अभी जाना है।
वाली बहन, यहाँ पर जो ये शॉप है एक्चुअल में यहाँ पर क्या मतलब कि क्या प्रोवाइड होता है? मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पे क्या है कि ये सारे ड्रेस मटेरियल होते हैं। मटेरियल्स, ड्रेस मटेरियल का मतलब होता है कि ऐसे एक पूरा थान होता है 10 मीटर 15 मीटर 20 मीटर का, जैसे आप दिखा रहा हूँ मैं आपको। चलो ये मेरे सानू भाई इस शॉप को इसी यही डील करते हैं और हाँ जी जी ये सानू भाई ही करते हैं, ये शॉप का हैंडल यही करते हैं और सारा टाइम इनका यहीं पे रहता है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप का ड्रेस मटेरियल होता है। तो एक मैं एक ही अभी दिखा रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं इसमें और बहुत सारे फैब्रिक होते हैं। आप जो इस फैब्रिक को देख रहे हो तो इस फैब्रिक से हम लोग बहुत सारे चीज़ बना सकते हैं, जैसे लाइक कुर्ती बना सकते हैं, जैसे लाइक स्कर्ट बना सकते हैं, जैसे लाइक कुर्ता बना सकते हैं, मेंस कुर्ता जो आपका मल्टी कलर में जो पार्टी वेयर में जो होता है उस टाइप का कुर्ता बना सकते हैं इस टाइप के कपड़ों में। इसी टाइप के ये सारे मटेरियल है। आप इसमें देखिए इसी फैब्रिक में ये दूसरा डिज़ाइन में है, तो हम लोग इससे भी हम लोग कुर्ती और कुर्ता दोनों बनाते हैं। अभी तो ये ट्रेंड चला हुआ है शादियों में एक जैसा बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए सेम कपड़ा और सेम डिज़ाइन और सेम कलर, इसी पैटर्न से ये हम लोग ये सारा चीज़ बनाते हैं एज ए कुर्ता या एज ए ब्लाउज या लहंगा। आप जो चाहें इस टाइप के फैब्रिक को ले करके आप उसको बनवा सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग और भी बहुत सारे, अभी आप देख सकते हैं सिपली में कुर्ते का डिज़ाइन ये दिखा था मैं, बहुत सारे इसमें पैटर्न अभी ये बहुत ट्रेंड में चला हुआ है। ये फैब्रिक हम लोग को लॉट्स ऑफ बहुत सारा अवेलेबल है, इसमें आप जितना भी कलर चाहें 8, 9, 10 कलर अवेलेबल होता है हम लोग के पास हमेशा, जो कि ये बहुत ट्रेंड में ये फैब्रिक चल रहा है। जैसे वाइन है, ब्लैक है, येलो है, मैरून है, आपका बॉटल ग्रीन है, मोर पीच कलर है, येलो है, पीच पिंक है, ये सारे फैब्रिक एक ही जो डिज़ाइन मैंने आपको खोल के दिखाया उसी का वो सारे फैब्रिक का कलर्स है ये सारे। तो मैं आपको अब दूसरी फैब्रिक दिखाना चाहता हूँ, ये वेलवेट पे है और अभी आप लोग खुद जान रहे हैं कि वेलवेट कितना ट्रेंड में चला हुआ है। तो ये वेलवेट का आपको पूरा फैब्रिक मैं दिखा रहा हूँ, इस फैब्रिक से लहंगा एंड क्रॉप टॉप एंड शेरवानी या बंडी आप जो चाहे इसमें पार्टी वेयर टाइप का कुछ भी आप इससे बना सकते हैं। इसी वेलवेट पे मैं आपको दूसरा डिज़ाइन दिखाता हूँ, ये भी सेम पैटर्न है, आप जिसका जो भी चाहें आपकी इच्छा अकॉर्डिंग जो आप चाहें इससे मैं आपको बना के सकता हूँ। आपको वेडिंग गाउन बनाना है या वेडिंग लहंगा बनाना है या वेडिंग ब्लाउज वगैरह बनाना है या पार्टी वेयर ब्लाउज बनाना है या पार्टी वेयर गाउन बनाना है, जो भी आप चाहें। ऐसा आपने जैसा कि उस शॉप में बताया था कि अगर कस्टमर अगर आते हैं तो यहाँ से कस्टमर आपसे कपड़ा लेते हैं तो अगर चाहते हैं इससे लहंगा बनाए आपसे ही तो वो भी प्रोवाइड हो जाएगा ना? हाँ जी हाँ, ये तो हम लोग की यही तो खासियत है कि हम लोग कपड़े के साथ आपको स्टिचिंग आपके अकॉर्डिंग स्टिचिंग करवा के देते हैं आप जैसा चाहें और पूरी सेट, यानी आपको कहीं पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हाँ आप ये ला दो वो ला दो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे बहुत सारे दुकानदार लोग कहते हैं आपको ये ला के देना होगा वो ला के देना होगा या लाइनिंग ला के देनी होगी या क्रेप ला के देना होगा या अदरवाइज कुछ भी इसका उसका कैनकैन ला के देना होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको सारा चीज़ यहाँ पे खुद से आपको सारा प्रोवाइड करूँगा और सारा चीज़ मैं आपको खुद से आपको ला के, आप ये देख सकते हो इसमें ब्लैक का वेलवेट पे काम किया हुआ है, ये ज़्यादातर यूज़ होता है लहंगा वगैरह में यूज़ होता है और ये बहुत ये वाइन कलर लेवेंडर कलर डार्क लेवेंडर कलर है जो इससे लहंगा वगैरह भी बहुत सारा बनता है। एंड लहंगा बंडी जो चाहे आप सेट वाइज जो भी बनाना चाहें इसे आप बना सकते हैं। चलिए मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ जो कि रेयर ही भागलपुर में आपको ये सब फैब्रिक देखने को मिलेगा, चूँकि ये फैब्रिक इंडियन नहीं होता, ये जापान और चाइना से आती है ये वाली फैब्रिक। तो ये मैं आपको दिखाऊँगा, सानू भाई निकाली तो ये आप ये सीक्वेंस पे देख सकते हैं, इम्पोर्टेड फैब्रिक पे ये कपड़ा होता है और ये बहुत प्यारा, ये पार्टियों में ज़्यादातर पार्टी वेयर ही यूज़ होता है। ये वाला आप दिखाओ सानू भाई, हाँ ये वाला दिखाओ और वो मल्टी वाला भी दिखाना और थ्रेड वाला, ये रेनबो, ये सारे ये मल्टी, ये इम्पोर्टेड फैब्रिक होता है, ये बहुत यूनिक चीज़ होता है। इसका हम लोग साड़ी एंड लहंगा वगैरह भी इसका बनाते हैं हम लोग, पार्टी वेयर सेट जितना भी ड्रेस आपको बनवाना हो इस टाइप के फैब्रिक से, ये ज़्यादातर साड़ियों में और लहंगा में यूज़ होता है। ये आप देख सकते हो अभी, आप अगर आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो आप इसको देख सकते हो इस टाइप की फैब्रिक कितना आपको देखने को मिलता है इंस्टाग्राम पे, ये बहुत 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 अच्छा होता है। आप इसको देखिए ये फैब्रिक कितना प्यारा है, ये आप देख रहे हो कितना ये सुंदर फैब्रिक है और इसमें टू टोन काम किया हुआ है, यही सब चीज़ इसकी खासियत को, इसको इस फैब्रिक की इसकी अच्छाई को बताती है कि ये किस टाइप का फैब्रिक है। और इसी टाइप का इसी फैब्रिक है सीक्वेंस, इसको बोलते हैं सीक्वेंस, सीक्वेंस इंडियन भी आता है और जापानीज भी आता है और चाइना भी आता है, तो कुछ जापान वाले आते हैं, कुछ इंडियन आते हैं, कुछ जापान वाले आते हैं,
तो ये तीनों फैब्रिक मिला करके, ये इम्पोर्टेड फैब्रिक एक्चुअली ये इम्पोर्टेड वाला ही है, जिसके पाने बड़े होते हैं, जिसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है ये सब। भाई क्वेश्चन अभी ये है, आउट ऑफ भागलपुर कस्टमर हैं और वेडिंग वगैरह है या कोई भी फंक्शन है, एट द टाइम उनको चाहिए, एज ए मे बी इमरजेंसी में चाहिए, तब कंडीशन में आप कस्टमर को कैसे प्रोवाइड करेंगे? एट अ टाइम तो हम लोग का काम तो कस्टमाइज वाला है, तो एट अ टाइम 1-2 दिन का भी से कम 2 दिन का टाइम देना होता है ताकि मैं उसको तैयार करवा सकूं। मिनिमम 2 से 3 डेज का टाइम देना होता है एट अ टाइम। सेम डेट में तो हम लोग प्रोवाइड नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि हम लोग का काम थोड़ा दूसरे लाइन का है, जो कि आपका डिज़ाइन पर सेलेक्ट होता है, फिर मेजरमेंट के अकॉर्डिंग स्टिचिंग होता है और फिर वो तैयार होता है तुरंत। तो रेडीमेड वाला काम है नहीं कि आपको पैकिंग की और डिस्पैच करके आपको भेज दिया, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। तो आप कस्टमाइज़ करते हैं, और अगर आपको अगर यहाँ पे बनवाना हो, आप नहीं आना चाहते हैं, तो आप अपना साइज़ हमको, आपको मेजरमेंट बताना होता है और डिज़ाइन बताना होता है। फैब्रिक मैं आपको सेंड कर दूंगा एज ए सिमिलर, आप जैसा आप चूज़ करते हो सेम भी हो सकता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा सेम करने का, लेकिन अगर नहीं मिला तो एज ए सिमिलर इस टाइप का मैं डिज़ाइन का फैब्रिक आपको पोस्ट मैं आपको दिखा सकता हूँ, या फिर आपको उस टाइप का मैं बनवा सकता हूँ। किसी भी कस्टमर को अगर आपसे कांटेक्ट करना हो या फिर आपके शॉप मतलब फैशन बुटीक से कांटेक्ट करना हो, कंडीशन में कैसे फिर आपको कनेक्ट कर सकते? फर्स्ट तो आप मेरा मोबाइल नंबर होता है, जो मोबाइल दो दो मोबाइल नंबर है मेरे पास, दोनों पे व्हाट्सएप चलता है, आप व्हाट्सएप से आप मेरे से आप कनेक्ट कर सकते हो। फिर मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पेज भी है और इंस्टाग्राम आईडी भी है दोनों।